असेंबली के अंदर जो है वो सियासतदान आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन बाहर जो है वो सब एक होते हैं, एक साथ खाना पीना खा रहे होते हैं और दोस्तियां होती हैं। तो आपकी भी दोस्तियां हो गई होंगी। देखिए अमीर साहब ने तो फरमा दिया ना कि 100 रुपए का पैकेज और मलंग, अब आपने तो फरमा दिया, अब मलंगों के जलवे नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि इससे आपके सवाल से मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये चाह रहे हैं कि इनमें से किसकी हिमायत करेंगे। हमारे यहाँ खवातीन नहीं आती है, मर्द आते हैं, मगर मर्द आएंगे बताएंगे कि मर्दों का जलसा कैसा था। अच्छा खवातीन क्यों नहीं आती जी? तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, तहरीक लब एक पाकिस्तान कराची डिवीजन के अमीर मुफ्ती कासिम फखरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 5 साल जो है वो पार्लिमानी लीडर भी रहे हैं। तो आज आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया अपना, क्योंकि मसरूफियात आपकी बहुत चल रही होगी इस वक्त। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी कंपेन कैसे चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 94 से कंपेन बहुत मजबूत अंदाज में और अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। अभी भी वही कंपेन से ही आ रहे थे, आपके काफी फोन आ रहे थे, चले ठीक है आपके पास पहुंचते हैं और देखिए कंपेन तो मजबूती से चल रहा है। नाइंसाफी नहीं हो तो 100 नहीं 200% हमारे कंपेन मजबूत है। कैसा जब आप लोगों के पास जाते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है? देखिये खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अंदाज में इस कौम की तरबियत की है और उनको दीन सिखाया है और दीन से वफादारी जो बताई है ना, उनके चेहरों से, उनके फेल से, उनके अमल से वो झलक रहा होता है। आप जब खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं और उनको जब पता चलता है कि ये खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की पार्टी के हैं और तहरीक लब एक पाकिस्तान से है, तो उनकी मोहब्बतें बिल्कुल दुनिया से जुदागाना नजर आती है। अभी भी हम हल्के में गए ना, लोगों का यही कहना था कि वोट क्या चीज है, हम तो जान अपनी जाने पेश करने को तैयार हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरी जमातें जिनको सोशल मीडिया पर कोई बैंड नहीं है, वो स्ट्रीम मीडिया भी उनको दिखाता है बिल्कुल अच्छे अंदाज से, लेकिन एक वाहिद जमात तहरीक लब एक पाकिस्तान है जिसको जो है वो सोशल मीडिया पे भी पाबंदी है और वहां पे भी आप अपनी कोई कंपेन नहीं कर सकते। दूसरी जमातें आपने देखी होंगी कि वो कंपेन कर रहे हैं फेसबुक पर, आपको पता है क्योंकि आजकल हर शख्स जो है वो फेसबुक यूज करता है, तो इन चीजों को आपको जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कंपेन के दौरान ये हाइल नहीं हो रही आपके बीच में ये चीजें? देखिए ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये सारी चीजें वो अवामिल हैं जो कौम तक पहुंचने के जराए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के जियाले ना सारे रास्ते उन्होंने बना लिए हैं। उन्होंने अगर आईडी बंद करते हैं, रोकते हैं, तो ये कौम वो है एक आईडी बंद होने के बाद 50 आईडी खोल लेते हैं। अगरचे इनकी रुकावटें बहुत है, मगर हमारी मेहनत भी बहुत है। आप हमारी मेहनत है तो कौम में हमारा पैगाम जा रहा है, हमारी मेहनत हमारे आपके तहत हम अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। रुकावटें तो बहुत है सोशल मीडिया पर और असल मीडिया पर, आप देख रहे हैं। अच्छा अभी हमने एक बयान भी सुना था अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का, उन्होंने 100 रुपए का पैकेज मलंग, शायद आपने वो सुना हो, तो उन मलंगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अमीर साहब ने तो फरमा दिया ना कि 100 रुपए का पैकेज और मलंग, अब आपने तो फरमा दिया, अब मलंगों के जलवे नजर आ रहे हैं जी, उनके जलवे नजर आ रहे हैं और उनके जलवों में कमाल होगा इंशाल्लाह और वो रिजल्ट तब्दील करके देंगे हमें इंशाल्लाह। अच्छा अगर फेसबुक से इन तमाम चीजों से आपकी पाबंदी हटा दी जाती है तो फिर आप अपनी पार्टी को कहां देखते हैं? देखिए फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, इस्लाम पसंद मुल्क है ये, फिर आपको कोई नजर नहीं आएगा। यही तो खौफ है इनको, यही परेशानी है कि हम सोशल मीडिया पर या असल मीडिया पर, टेलीविजन पर हम इनको अगर मुकम्मल इख्तियार दे देते हैं जैसे बाकी सियासी जमातों को दिखाते हैं, हमें दिखाएंगे तो कोई भी नहीं रहेगा, बिल्कुल सब चोर डकैत यहाँ पर मुल्क में मौजूद है और सबको पता है इनकी असलियत। ये लोग हराम के पैसों पर ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल अगर हमें मौका दे दिया जाए तो मैदान में कोई नजर नहीं आएगा। अच्छा हमने ये देखा है कि कोई भी सियासतदान किसी भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पूरे 5 साल मुकम्मल करता है तो जायदाद बना लेता है, काफी घर ले लेता है और गाड़ियां उसके आगे पीछे होती हैं, बहुत कुछ बना लेता है। तो आप भी 5 साल रह के हैं तो आपने भी बहुत कुछ बना लिया होगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ बनाया है, इज्जत बनाई हमने, हाँ अल्लाह के करम से, और दीन के लिए हमने जो बात की है और दीन का जो हमने पैगाम दिया है इस 5 सालों में, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह और उसके रसूल के हाँ हमने बहुत बड़ा रब का ताला के करम से बड़ा मकाम रब ने दिया है। मैं कराची का शहरी, TLP को वोट कास्ट क्यों करूं? देखिये कराची के शहरी के पास TLP के अलावा कोई चारा ही नहीं,
कौन से और ऐसी जमात है जिसको ये कास्ट करे। अगर सच्चे मन से सोचे किसी ने क्या दिया है, किसी ने कुछ नहीं दिया है और किसी ने कुछ देना भी नहीं है सिवाय झूठ के। अच्छा, आपकी पार्टी के बारे में, तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान से जो है वो जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये गलत तासुर है। अभी भी हमारे साथ कैंपेन में भी ईसाई भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है जो हमारे साथ। अच्छा, जो आपके साथ। जी, आपने इनको कोई टिकट वगैरह भी दी? जी, इनको अपने मखसूस नशिस्त उनकी है ना, ठीक है, उस पर तो हमने इनको दिए हुए नाम है। तो ये तासुर क्यों दिया जाता है? देखिए, ये तासुर तो वो लोग देते हैं जो दीन दुश्मन लोग हैं। दीन ने, इस्लाम ने तमाम हर एक के हुकूक रखे हैं, जिम्मी के अपने हुकूक हैं, वो है वो हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक लबैक पाकिस्तान मजहबी जमात है, हमसे बढ़कर कोई इनको कहीं तहफ़ नहीं मिलेगा। जो तहफ़ हम देते हैं और जो उनके हुकूक है जो हम देंगे वो कोई नहीं दे सकेगा। असेंबली के अंदर जो है वो सियासतदान आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन बाहर जो है वो सब एक होते हैं, एक साथ खाना पीना खा रहे होते हैं और दोस्तियां होती हैं, तो आपकी भी दोस्तियां हुई होंगी फिर? देखिए, ये तो मुनाफिकत होती है ना, जो सामने है वो पीछे पीछे भी वही होना चाहिए। दोस्ती तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होती है ना। हमारी दोस्ती अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। जो अल्लाह और उसके रसूल से वफा करने वाले हैं उनसे हमारी दोस्ती होगी, और जो नहीं है तो उनसे तो हमारा ऐसा ताल्लुक नहीं होगा। और ये तो आम सियासी जमातें हैं जिनके लिए आप मिसाल दे रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान से बालातर एक जमात है। 5 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जो 5 साल हम असेंबली में रहे, हमने किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं रखा। ना हम हुकूमत के साथ बैठे, ना अपोजिशन के साथ बैठे, हम अपोजिशन के भी अपोजिशन में रहे। यानी हमने अपोजिशन की भी अपोजिशन की है, हुकूमत की भी अपोजिशन की है। हमने 5 सालों में जिस तरह मिसाली अपोजिशन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में की है, किसी ने नहीं की होगी। अच्छा, जैसे कि हमने भी देखा कि आप सिंध असेंबली में बिना खौफ और डर हक बात कह दिया करते थे सबके सामने, तो क्या कभी किसी जमात की तरफ से आपको कोई धमकी वगैरह दी गई? और ये चीजें तो मामूली, या तो चलता रहेगा ना, ये तो एक सिस्टम का एक हिस्सा है। कभी क्या करना क्या, हमें तो खादिम हुसैन रिजवी ने बहुत ऊंचा बना दिया है। ये तो इन ख्याल में हम नहीं है ना, इन ख्याल को ना इन तरह की बातों को हम सोचते हैं ना जहन में रखते हैं। और ये तो बालातर होकर इससे हम ऊपर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं अल्लाह के। तो क्या कभी आपको डर नहीं लगता कि मैं बिल्कुल खुला जो है वो सबको कह देता हूँ मुंह पर सच बात, तो कभी डर नहीं लगता? देखिए, हम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा है, जैसे आपको हमने देखा, हम वैसे इंशाल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते रहेंगे। डर और खौफ, ये सारी चीजें जो है ना, बंदे को काम में रुकावट बनते हैं। और जो न डर हो, बेखौफ हो, और अल्लाह के करम से उसका काम आगे बढ़ता है। खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यही सिखाया, न डर होना सिखाया और न डर होकर बात करना सिखाया। अच्छा, इस बार आपको इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर मखसूस शख्स की सिलेक्शन की जा रही है? देखिए, ये तो वही माजी की रिवेश वाला मामला है, जैसे माजी में हुआ वही होगा। अभी से इन लोगों ने सब पे जिस पे इन्होंने हाथ रखे हैं, ये आएगा वो आएगा वो आएगा, ये वो आने वाला सिस्टम तो लगा हुआ है। और जिन पर इन्होंने हाथ रखे हैं वो खुशी के मारे वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो कंपेन ही नहीं कर रहे हैं। मेरे हलके में 94 में ऐसे खुश पड़े हुए हैं कि काम ही नहीं कर रहे कि जी हमें कह दिया गया। मैंने कहा इंशाल्लाह वो दिन दूर होंगे, ये पता चलेगा कि जिन्होंने हाथ रखे उनके हाथ कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपकी जमात ने क्या सोच रखा है कि अगर ऐसा कोई सिलसिला हुआ जैसे कि जिमनी इलेक्शन में NA240 में आपके साथ किया गया? देखिए, कौम हमारी साथ इतना साथ है कि हमने कौम का अब के बार 2 ज़हनियत हमने दिए कि आपको पोलिंग स्टेशन 2 मरतबा आना है। वो 2 मरतबा आप सोच रहे होंगे क्या है, वो ये 1 मरतबा तो ये वोट कास्ट करने आएंगे। और हमने कौम का जहन बना लिया है कि 5 बजे इलेक्शन का जब अमल खत्म होगा तो दूसरी मरतबा फिर आपने आना है वोट की हिफाजत के लिए। हमने तमाम पोलिंग स्टेशन पर वोट जैसे ही खत्म होगा 5 बजे पोलिंग स्टेशन पर, हमने सरकार द्वारा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिलें पोलिंग स्टेशन पर मुनक्किद किए हैं। कौम को हमने दोबारा मधु किया है, वो इंशाल्लाह सरकार की महफिलें होंगी और वोट का हिफाजत होगा इंशाल्लाह। चोरी करने नहीं देंगे अभी सब के बार, वो आसान काम नहीं है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है उनको मैं पैगाम दे रहा हूँ, अब के बार आसान नहीं है ऐसा, और आसान नहीं समझना, हमें हमारा हक देना,
हम आपको सिर्फ हम तो यही कहते हैं ना, वो जो दिन के लिए आप दिन रात ठप्पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है। हमें हमारा हक पूरा दिया जाए, हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, डाका डलेगा तो इसी बात नहीं। अच्छा, पीडीआई के वोटर्स को क्या मशवरा देंगे कि वो आजाद उम्मीदवार को वोट कास्ट करें या फिर किसको वोट कास्ट करें? उनको चाहिए कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट कास्ट करें। क्यों? देखेंगे उनका वोट जाएगा कहाँ, किधर जाएगा? उनके आजाद जितने उम्मीदवार होंगे वो उन पर क्या यकीन है उनको कि वो कहीं किसी के हाथ में बिकेंगे नहीं? तहरीक लबैक पाकिस्तान है जो ना बकने वाली है ना झुकने वाली है। अच्छा, आप एक जहाज में सफर कर रहे हैं, ठीक है, वो जहाज क्रैश होने वाला है और आपके पास दो पैराशूट है, एक आपने पहन लिया और एक आप इन तीन में से किसको देना पसंद करेंगे, इमरान खान, नवाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो? किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, ताकि पाकिस्तान में सुकून हो। अच्छा, मतलब ये कि इससे आपके सवाल से मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये चाह रहे हैं कि इनमें से किसकी हिमायत करेंगे, तो हिमायत तो उसकी होगी जो अल्लाह और उसके रसूल से वफा करेगा। कुछ पाकिस्तानी शहरी वो ये कहते हैं कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि हमारा वोट की कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है, हम जिनको वोट कास्ट करते हैं अच्छे लोगों को वो ऊपर नहीं आते, उनको ऊपर नहीं लाया जाता, कोई और आ जाता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे? देखिए, ये बात तो ऐसी है कि जो आपने बात की है कि सिस्टम की खराबी, यानी बेचारे सिस्टम से मफलूज हो गए ऐसे लोग, उन्होंने सिस्टम को ये देख लिया कि सिस्टम जो चाहता है वही होता है, हम वोट दे या ना दे ऐसा नतीजा नहीं आता। तो देखे, बात ऐसी है, इंशाल्लाह हमने अब सिस्टम को भी ठीक करना है, सिस्टम को भी ऐसे लाइन पे लाना है कि आप इतना वोट दे, इतना वोट जाए कि सिस्टम भी फेल हो जाए। हर बंदा ये अपना नजरिया बनाए कि हमने तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट देना ही देना है। जब आप लाखों वोट देंगे और सिस्टम जिसको लेके आ रहा है वो 10,000 वोट लेगा और आपका उम्मीदवार लाखों लेगा, तो सिस्टम की भी इंशाल्लाह का काम हो जाएगा, वो भी परेशान होंगे इंशाल्लाह, फिर वो इस तरह के ज़ुल्म वाला काम उनसे नहीं हो सकेगा। ठीक है, आखिर में देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? देखने वालों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पर लिया था, हम सबको अभी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस्लाम के नाम पर इस मुल्क को बाकी रखें, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कायम करें। हमने कितनी कुर्बानियां सिर्फ इस्लाम के लिए दी है, लाखों कुर्बानियां हम हिंदुस्तान से छोड़ कर आए, लाखों कुर्बानियाँ दी हमने, लाखों हमारी माएँ बहनों ने अपनी इज्जत और असमत की कुर्बानी दी, तो ये कुर्बानियों को ज़ाया ना करें। इस्लाम के लिए हमने कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान लिया था, अब इस्लाम की बका के लिए अब तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ दें। आप इस्लाम पर यकीन रखें, इस्लाम को आजमाया नहीं जाता, आप हम ये नहीं कहेंगे हमें आजमाएं, नहीं, आप इस्लाम को पर यकीन रखें और तहरीक लबैक पाकिस्तान हमारे कायद अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामन बरकातुल्लाह और अल्लामा अनस रिज़वी साहब और हमारी तहरीक लबैक पाकिस्तान जिस तरह मेहनत कर रही है ना, यकीन जानिएगा हम अपनी इंशाल्लाह आंखों से देखेंगे इस्लाम का चमकता हुआ सूरज पाकिस्तान। और मेरे कौम से इस वक्त ये भी अपील है कि आप 4 फरवरी को बागे जिना में कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुल्लाह हमारे तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबरा आप तशरीफ ला रहे हैं, इंशाल्लाह मिसाली जलसा होगा और इस मिसाली जलसे में आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस जलसे में भरपूर अंदाज से आए। हमारे यहाँ ख्वातीन नहीं आती है, मर्द आते हैं, मगर मर्द आएंगे बताएंगे कि मर्दों का जलसा कैसा था इंशाल्लाह। अच्छा, ख्वातीन क्यों नहीं आती? देखिये, हमने ये बताना है कि खवातीन को मसला, असल में खवातीन को बुलाना ना बुलाने का मसला नहीं है, मसला ये है, लोग ये सवाल करते हैं। नहीं, मैं इसका मैं बात ये कर रहा हूँ कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास वर्कर इतना है, बाकियों के पास मर्द वर्कर इतने नहीं है या मर्द सपोर्टर इतने नहीं है, वो सहारा लेते हैं खवातीन का और उनको लाकर अपने जलसों को भरने की कोशिश करते हैं। हम ये दिखाते हैं कि हमारे पास कौम यानी वर्कर, जो हमारा मर्द वर्कर है और जो हमारे हमारी कौम है, हमारे जो सपोर्टर है, वो मर्द इतने हैं कि जिससे हम जलसा आसानी से कर सकते हैं, तो खवातीन को आने की ज़हमत क्यों दें हम? हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, आप देखने वालों का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।